नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। साल 2021 की शुरुआत में इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और इंग्लैंड आपस में 12 मैचों की एक बहुत ही शानदार सीरीज खेलने वाले हैं, जिस दौरान 3 वनडे, 4 टेस्ट और 5 टी20 मैचों की सीरीज होने वाली है। काफी रोमांचक ये दौरा होने वाला, और इस वीडियो में हम इस दौरे पर जो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज होने वाली है, उस टी20 सीरीज से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करेंगे और जानेंगे। टी20 सीरीज के पूरा शेड्यूल एंड वेन्यूज, टाइमिंग्स के बारे में बात करेंगे, लाइव टेलीकास्टिंग के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत की उस 16 सदस्यीय टीम के बारे में जो इंग्लैंड के खिलाफ इस टी20 सीरीज में उतरने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टी20 सीरीज को लेकर एक्साइटेड है तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया कि इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आएगी, तो यहां पर भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा सा हैवी रहेगा। हालांकि इस दौरे की शुरुआत होने वाली है टेस्ट सीरीज के साथ, 4 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी, और उसके बाद यहां पर भारत और इंग्लैंड आपस में 5 मैचों की बहुत ही शानदार टी20 सीरीज खेलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन बड़े बदलाव की जो टी20 सीरीज के दौरान हमें भारतीय टीम के स्क्वाड्स में दिखाई देने वाले हैं। तो पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि इंजरी के चलते रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर थे, लेकिन इस सीरीज में वो डेफिनेटली कमबैक करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे बदलाव की, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भुवनेश्वर कुमार यहां पर भारतीय टीम में दोबारा से वापसी करने वाले हैं। इंजरी के चलते पिछले काफी लंबे टाइम से वो लगातार भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे बदलाव की, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव को भारत की टी20 टीम में यहां पर मौका मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे बदलाव की, तो भाई विकेट कीपर्स की कैटेगरी में यहां पर ईशान किशन को खेलने का मौका मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें बदलाव की, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ऋषभ पंत को यहां पर एक बार फिर से भारत की टी20 टीम से ड्रॉप ही रखा जाएगा, उनको यहां पर स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं टी20 सीरीज के पूरे शेड्यूल की, तो मैंने आप सभी को बताया कि पहले तो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी जो फरवरी के महीने में होने वाली, लेकिन मार्च का महीना पूरी तरह से भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे और टी20 सीरीज से भरा हुआ है, जहां पर सबसे पहले 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। टी20 सीरीज के शेड्यूल की हम यहां पर बात करते हैं, तो 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबला 12 मार्च को अहमदाबाद के मैदान पर खेला जाएगा, उसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला 14 मार्च को, तीसरा टी20 मुकाबला 16 मार्च को खेला जाएगा, चौथा टी20 मुकाबला 18 मार्च को खेला जाएगा, और पांचवा वह अंतिम टी20 मुकाबला 20 मार्च को खेला जाएगा। एक एक दिन के गैप में ये पांचों मैच होने वाले हैं, पांचों के पांचों मैच हमें अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में देखने को मिलने वाले हैं। टाइमिंग की हम यहां पर बात करते हैं, तो भारतीय समय अनुसार शाम के 6 बजे से इन पांचों के पांचों टी20 मैचों की शुरुआत होने वाली है। रिपोर्ट्स ऐसी भी निकल कर आ रही है जो टी20 सीरीज होने वाली है, इसलिए भारत में होने वाली, और यहां पर हमें दर्शकों की मौजूदगी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं लाइव टेलीकास्टिंग की, तो आप सभी को पता है कि जब कोई भी टीम भारत के दौरे पर आती है तो वहां पर स्टार स्पोर्ट्स टेलीकास्ट करता है, तो भाई टी20 सीरीज को भी स्टार स्पोर्ट्स टेलीकास्ट करने वाला है। स्टार स्पोर्ट्स के जो चैनल्स है वहां पर आप लाइव देख पाएंगे। मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप हॉटस्टार ऐप पर लाइव जरूर देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं स्कोर्स की, तो मैंने आप सभी को बताया कि टी20 सीरीज के लिए भारत की 16 सदस्यीय टीम बनने वाली है, काफी शानदार ये टीम रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं बल्लेबाजों की, तो 5 बल्लेबाजों के साथ यहां पर भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उतरने वाली है, जो है रोहित शर्मा, शिखर धवन, कप्तान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव। पांचों ही बल्लेबाज बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, लगातार इनके बल्ले से रन निकल रहे हैं, जिसके चलते इंग्लैंड के खिलाफ ये पांचों ही बल्लेबाज काफी शानदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विकेट कीपर्स की, तो 2 विकेट कीपर्स के साथ यहां पर भारतीय टीम उतरने वाली है, जो है केएल राहुल, और यहां पर संजू सैमसन को ड्रॉप करके उनकी जगह पर ईशान किशन को मौका मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो 3 ऑलराउंडर्स के साथ यहां पर भारतीय टीम उतरने वाली है, जो है हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर और रविंदर जडेजा, और तीनों ही ऑलराउंडर भारतीय टीम में अहम भूमिका निभाते, और तीनों ही ऑलराउंडर्स को यहां पर भारत की प्लेइंग 11 में जगह मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर गेंदबाजों की, तो 6 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ यहां पर भारत की टीम उतरने वाली है, जो है युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और नवदीप सैनी। तो भाई कुछ ऐसी 16 सदस्यीय टीम यहां पर इंग्लैंड
इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारत की होने वाली है। टीम में काफी सारे चौंकाने वाले बदलाव हमें देखने को मिलने वाले हैं और इस T20 सीरीज से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर इस वीडियो में हमने बातचीत कर ली है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।